हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों ने ये बुक ली है, स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक, तो इसको पढ़ने का सही सबसे बढ़िया तरीका जो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जैसे एक टॉपिक है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के जो हेड हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं एंटोनियो गुटेरेस, आप सभी को पता है। तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा हटके पूछ सकता है कि यह किस देश से संबंधित है। तो पीछे जो इस तरीके की डिटेल्स दी होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एग्ज़ाम क्या करता है, आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स में। और वैसे ही देख सकते हैं, IMF की जो हेड है अभी फिलहाल क्रिस्टिना जॉर्जिया है, और पूछ सकता है किस देश से संबंधित है। कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि बाई चांस पूछ लिया कि कहाँ कौन है, तो सीधे सीधे आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन किस कंट्री से हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोग सस्पेंस कर सकते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हेड हैं उसको, उनकी कंट्रीज आप याद कर लें, तो ये बुल्गारिया से संबंधित हैं, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करते हुए चलें। और विश्व बैंक के हैं डेविड मालपास, ये तो खैर अमेरिका का ही है, तो इसमें आप लोग इनको थोड़ा सा डिटेल इनकी थोड़ा बहुत याद करते हुए चलें। जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बुक है, अभी मैंने स्टार्ट की है, तो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर सभी कुछ पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो मुझे एज इट इज़ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल कर रहा हूँ। बाकी बुक बहुत बढ़िया है, और थोड़ा सा अभी के टाइम के लिए महीने भर में टाइम कम है, 20 से 22 दिन है बस, अगर देखा जाए तो एवरेज, तो उसमें इसको ख़त्म करना है। तो देखते हैं अभी कितना हो पाता है इसमें, तो बढ़िया है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस बार पूछा गया था GI टैग से, पूछा गया था GI टैग से, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये था, देख लीजिए, पूछा गया था कि ये जुड़ीमा वाइन करके शराब करके कहाँ से किसको GI टैग मिला। तो ये आसाम की पिछले अभी जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, NTPC CBD 2 Level 6 पोस्ट में एक में क्वेश्चन आया था जुड़ीमा वाइन को कहाँ का GI टैग मिला, तो ये आसाम के लाइन। तो इस तरीके ये भी पूछा जा सकता है, देख लीजिए, GI टैग वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग GI टैग से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लें GI टैग में। बाकी जो योजनाएं हैं वो थोड़ा बहुत पूछी जा रही हैं, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो आप लोग अगर जिन्होंने नहीं खरीदी है करंट अफेयर्स की बुक, वो ये बुक खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो आप लोग अभी इसमें पढ़िए तो बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, डिटेल वाइज इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज दे रखे हैं। सबसे बढ़िया तो मुझे ये लगा कि टॉपिक वाइज इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, तो देख सकते हैं महिलाओं, चर्चित महिलाएं जो हैं वो भी आप लोग को अलग से मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब सभी कुछ है करंट अफेयर से रिलेटेड, जो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं, तो सभी कुछ है। अब पीछे देख लीजिए इसमें, और इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, करंट से रिलेटेड है। अभी ये हाल ही की आई है 15 की तारीख, तो ये देख लीजिए सबसे बढ़िया ये है। तो रेलवे की अन्य परीक्षाएँ, तो स्पेशल जो करंट अफेयर्स पर आधारित है, तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। तो सेट पेपर दे रखे हैं इन्होंने, तो कितने सेट पेपर हैं देख लेते हैं। तो टोटल मिला के 7 सेट पेपर हैं, और उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। पीछे देख लीजिए पूरा दिसंबर की सभी घटनाएँ इसमें दी गई हैं, तो बढ़िया है, पढ़ लीजिए आप लोग। देखो रामसर साइट भी पूछी गई थी हाल ही में, जो रामसर साइट ऐड हुई है बकीड़ा और खिजड़िया, ये पूछा गया था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग भी ले लीजिएगा ये बुक।